हाय, आई हैव टू सो टेल यू दिस। बड़ा मजा आता है ना जब कोई आपको फोन करता है और पहली लाइन ये बोलता है, यू नो यू आर इन फॉर अ बिग गॉसिप सेशन। भला हमारी चुगलखोर आंटी ये तो नहीं कहती, लेकिन हाँ ये जरूर कहती है, इतना पैसा में इतना इच मिलेगा। लू भाई मैं आ गई और आज की चुगलियों के पिटारों में है सीरियल्स के हाई पॉइंट्स। और सबसे पहले चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की। अब अनुपमा जहाँ हो वहाँ कुछ ना कुछ जरूर हो जाता है। एक तरफ वो तोशु के लिए एंग्री मदर बन गई है, डोंट मेस विद मां, तो वहीं दूसरी तरफ अनुज और आध्या से दूर रहने के चक्कर में एक बार फिर वो फंस गई है। और इस बार उसके सामने है वनराज। अब जितना शौक वनराज को लगा है उतना ही शौक अनुपमा भी है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट जो नहीं किया था कि वनराज अमेरिका भी पहुंच जाएगा। अब कहानी में आगे वनराज अनुपमा और किंजल पर अपनी सोच को थोपने की कोशिश करेगा और एक बार फिर अनुपमा बनेगी मदर इंडिया। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। ये तो कंफर्म हो गया है कि अगर कोई गड़बड़ होगी तो इसका इल्जाम सिर्फ और सिर्फ सभी पर ही लगेगा। सर मैं समझ सकती हूँ कि आपका एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ, रीवा मैम घर छोड़ के चली गई, उसका इल्जाम भी मेरे सर ही लगा। अब एक बार फिर सभी सब कुछ ठीक करने पहुंची थी, लेकिन रीवा की माँ ने किया ईशान को कॉल और एक बार फिर हो गई है मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन इस बार सभी चुप्पी तोड़ेगी और अपने हिस्से का सच बताएगी, लेकिन उसका ये जो अंदाज है वो काफी अलग होगा। वैसे कहानी में ट्विस्ट तो ये आने वाला है कि अक्का साहेब और राव साहेब चाहते हैं कि सभी बस किसी तरह उनके रास्ते से हट जाए, और इसीलिए तो वो सभी से ईशान को डिवोर्स देने के लिए मजबूर करेंगे। और अपनी नौटंकी किसी और के लिए बचा कर रखना। मैंने तुझसे पहले ही कहा था ना, मुझे तुझ पर रखने पर भी भरोसा नहीं है, मैं तुझे उसके आस पास भी भटकने नहीं दूंगी। चल दफा हो, देख क्या रही है, मेरे बेटे से दूर जा यहाँ से। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की। अब इमली और सूर्या के बीच कभी प्यार तो कभी टकरार दिखाई देता है, लेकिन ये बात दोनों ही जानते हैं कि एक ऐसा सच है जो दोनों ही एक दूसरे से छुपा रही हैं। वैसे इस सच का पता लगाने के चक्कर में सुनने में आ रहा है कि ये दोनों एक हो सकते हैं। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल पंड्या स्टोर की। अब चीकू ने चली है ऐसी चाल कि अमरीश बुरी तरह से फंस गया है। अगर आप लोगों को कोई समस्या थी मुझसे कोई बात करनी थी तो फोन कर लेते, क्या मेरे ऑफिस चले आते, यूं घर आने की क्या जरूरत है आप सबको। अरे कैसे फोन करते, तुम्हारा ऑफिस तो बंद है ना। वहीं धवल अपनी बीवी नताशा के करीब आने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। अब कहानी में इनके बीच फिर रुकावट आएगी, और ये रुकावट किसी और की वजह से नहीं बल्कि अमरीश की वजह से ही आएगी, क्योंकि चीकू को मात देने के लिए अमरीश एक बार फिर इस्तेमाल करेगा नताशा का। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल झनक की। जब भी झनक कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है कुछ ऐसा हो जाता है कि सारा ब्लेम उस पर ही लग जाता है। अरे लज्जा शर्म का तो पता नहीं, आत्मसम्मान भी नहीं है तुम्हारे पास। अब कहानी में अनिरुद्ध रूड बिहेव कर रहा है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अनिरुद्ध की पोल खुल जाएगी तब जब झनक को मिलेगा एड का कॉन्ट्रैक्ट, और इस बात को अनिरुद्ध संभाल नहीं पाएगा और तभी उसका भांडा फूट जाएगा। लो भाई मैं तो चली, क्योंकि ABP News आपको रखे आगे।